तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना पैन कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, या अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अपना पैन कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक करना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको इनकम टैक्स यहाँ पे सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इनकम टैक्स दिख रहा है इस तरीके से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है लिंक योर पैन विथ आधार। तो आपको यहाँ करना क्या है, अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो है पेज शो होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है लिंक आधार। तो आपको इस तरीके से लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज लोडिंग हो रहा है। जब तक पेज लोडिंग हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो अब हमको दोस्तों यहाँ करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लिंक आधार। तो यहाँ तीन स्टेप में होगा, एंटर डिटेल, वेरीफिकेशन और स्टेटस। तो हमको यहाँ सबसे फर्स्ट आप करना क्या है, हमारा जो पैन कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देना है। तो अभी यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे अपने दोनों चीज़ें अपलोड यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी जो है मैंने अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वैलिडेट, तो आपको इस तरीके से ये वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी लिखा हुआ योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंकड विद गिवन आधार। तो मेरा यहाँ पे जो पैन कार्ड है वो ऑलरेडी लिंक है आधार कार्ड से। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करके आप यहाँ पे अपने पैन कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप पैन कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।